नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य। जम्मू में आज से खुले स्कूल कॉलेज। डोडा और किश्तवाड़ में कर्फ्यू में ढील। श्रीनगर में जमीनी हालात का राज्यपाल ने लिया जायजा। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को दी मंजूरी। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश। ₹370 खत्म करने पर रूस ने किया भारत का समर्थन। कहा, संवैधानिक दायरे में रहकर भारत ने किया फैसला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी पाकिस्तान की अर्जी खारिज। सुरक्षा परिषद का अनुच्छेद 370 में किए गए बदलाव पर प्रतिक्रिया से इनकार। अमेरिका और चीन ने भी पाकिस्तान का नहीं दिया साथ। मीडिया को भी बनना होगा विकासवादी। सकारात्मक राजनीति का वाहक। रांची में प्रभात खबर के 35वें स्थापना दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। मीडिया को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर जन केंद्रित मुद्दे उठाने की दी सलाह। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का भी किया शुभारंभ। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक। नया अध्यक्ष चुनने पर मंथन। बैठक के बाद सोनिया गांधी का बयान। कहा, चुनाव प्रक्रिया में उनकी और राहुल गांधी की नहीं होगी कोई भूमिका। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर। मूसलाधार बारिश के बीच राहत और बचाव का काम जोरों पर। केरल में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत। अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु में भी बारिश का कहर जारी। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं। घाटी में लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और जरूरत की चीजों की खरीदारी कर रहे हैं। सड़कों पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। तस्वीरों से साफ है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद आम जनजीवन पर असर नहीं पड़ा है। हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं और सभी हिस्सों में शांति है। राज्य के कई शहरों में एहतियातन लागू किए गए धारा 144 को जम्मू शहर से हटाने का फैसला लिया गया है। जम्मू की डीएम सुषमा चौहान की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि जम्मू के शहरी इलाके से धारा 144 हटा ली गई है और आज से स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान पूर्व निर्धारित समय के मुताबिक खुलेंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक घाटी में उत्पन्न हालात का जायजा लेने खुद निकले। शुक्रवार को उन्होंने श्रीनगर शहर के कई इलाके का दौरा कर जमीनी स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने अस्पताल का दौरा कर चिकित्सा सुविधाओं का भी जायजा लिया। हॉस्पिटल्स आर वर्किंग वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब ज्यादातर डॉक्टर्स हाजिर थे। एयरपोर्ट पे हमने दो बसें लगाई हैं, सुबह से वो लोगों को लाती ले जाती हैं और टीआरसी पे छोड़ देती हैं। एसेंशियल सर्विसेज में पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, 1600 कर्मचारी ऑन ड्यूटी हैं जो काम कर रहे हैं। पूरे कश्मीर में 10,000 लोग हैं जो इनकी ड्यूटीज़ पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हेल्पलाइन डीसी के ऑफिस में हमने लगवाई थी। राशन का स्टॉक 2 महीने का हमारे पास है, अगस्त का डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। मोबाइल वैन में देके आज हमने शहर में भेजा था, 2 बजे तक सारा खत्म हो गया था। खूब बंटा है, कोई कमी किसी तरह की नहीं है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का लोगों पर काफी सकारात्मक असर पड़ा है और कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी उससे बहुत एक तरह से कूलिंग इफेक्ट हुआ है और हम लोग भी, सारा प्रशासन लगा हुआ है, हमारे चारों एडवाइज़र लगे हैं, डोभाल साहब हैं, सब लोगों से हम आउटरीच कर रहे हैं। और यही नहीं कर रहे हैं, सब ज़िलों में कर रहे हैं। हमारे जो सरपंच चुने गए हैं वो लोगों में जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी नॉर्मलसी रेस्टोर होगी। जहाँ तक ईद का ताल्लुक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, तो ईद को हम बहुत बढ़िया तरीके, ईद से पहले थोड़ा छूट देंगे, ईद के दिन छूट देंगे, ईद को बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से राजभवन में मुलाकात की। उन्होंने श्रीनगर के संवेदनशील इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों एवं सुरक्षा कर्मियों से बातचीत की।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। ये कानून 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आ जाएगा। 31 अक्टूबर देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिन्होंने आज़ादी के बाद 565 रियासतों का भारत गणराज्य में विलय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संसद ने हाल ही में संपन्न हुए संसदीय सत्र में इस विधेयक को पारित कर दिया था। विधेयक में जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अपनी विधानसभा भी होगी। इसमें लद्दाख को बिना किसी विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रावधान है। 5 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने से जुड़ा संकल्प और विधेयक पेश किया था। चर्चा के बाद राज्यसभा में बिल के पक्ष में 120 वोट पड़े और 61 वोट इसके विपक्ष में पड़े। राज्यसभा से बिल पारित होने के ठीक अगले ही दिन 6 अगस्त को लोकसभा में भी इस बिल को पेश किया गया। थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को बंद करने के बाद पाकिस्तान ने दिल्ली लाहौर बस सेवा को भी बंद कर दिया है। भारत के जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। उसने भारत के साथ व्यापारिक संबंध निलंबित करने के साथ और राजनयिक संबंधों में कमी लाने का फैसला किया था। पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों पर भी अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया है। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। विश्व की बड़ी शक्तियों को इस मुद्दे पर दखल देने की अपील कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। रूस के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि भारत ने यह फैसला संवैधानिक दायरे में रहकर किया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति सामान्य होने के पक्षधर हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। यूएनएससी की अध्यक्ष जोआना रोनक्का ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 में किए गए बदलाव पर अपनी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। यूएन ने साथ ही पाकिस्तान को 1972 शिमला समझौते का रास्ता भी दिखाया। जम्मू और कश्मीर मामले को लेकर पाकिस्तान ने यूएनएससी को खत लिखकर दखल देने की मांग की थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने भी जम्मू और कश्मीर में मौजूदा स्थिति पर अधिकतम संयम बरतने की अपील की। यूएन में पाकिस्तान के दूत मलीहा लोधी ने मामले में यूएन से हस्तक्षेप की मांग की थी। इस बीच अमेरिका ने भी कहा है कि कश्मीर पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मॉर्गन ओर्टागस से संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने पाकिस्तान से शांति और संयम बरतने की बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नीति ये रही है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देशों को ही इस मुद्दे पर बातचीत की गति और गुंजाइश को लेकर फैसला करना है। चीन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से कहा कि वो भारत और पाकिस्तान को पड़ोसी मित्र मानता है और वो चाहता है कि दोनों देश शिमला समझौते के माध्यम से कश्मीर मुद्दे को सुलझाएं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर से समझाने का प्रयास किया है और अनुरोध किया है कि राजनयिक और व्यापारिक संबंधों में शिथिलता लाने के निर्णयों पर वो फिर से विचार करे। इसलिए भारत ने अभी तक पाकिस्तान से अपने उच्चायुक्त अजय बिसारिया को वापस नहीं बुलाया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वो नर्वसनेस में कोई निर्णय ना ले। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रवीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को शिथिल करने के पहले कोई सलाह नहीं ली है। पाकिस्तान ने बिना पूरे तथ्य जाने सारे निर्णय एकतरफा लिए हैं। धारा 370 भारत का अंदरूनी मामला है, इसलिए पाकिस्तान को अपने निर्णय वापस लेने चाहिए। We don't know. We do hope that Pakistan reconsiders the decision. We do hope that they kind of address
the core issues, the main issues. But at, I am unable to kind of speculate or confirm what all would be covered as part of review of bilateral arrangements. We can only urge them to reconsider those steps which they have announced. विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रवीश कुमार ने यह भी कहा कि धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य होने की तरफ बढ़ रही हैं। इससे पाकिस्तान को नर्वस नहीं होना चाहिए कि भारत में उनके आतंक की दुकान अब नहीं चलेगी। यह एक नई सच्चाई है जिसे पाकिस्तान को स्वीकार कर लेना चाहिए और दोनों देशों की आवाम के बीच संबंधों को बढ़ाने वाले उपायों जैसे समझौता या थार एक्सप्रेस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। भारत इस बार पाकिस्तान के मामले पर काफ़ी धैर्य से काम कर रहा है ताकि पाकिस्तान कश्मीर के बारे में नई सच्चाई को समझ सके। इसीलिए भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया अभी इस्लामाबाद में ही हैं और करतारपुर कॉरिडोर भी अभी तक रद्द नहीं हुआ है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के इरादे से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का पंजीकरण शुरू हो गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल इसकी औपचारिक शुरुआत की। इस योजना के लिए सचिवों की एक उच्च अधिकारिक प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की आयु पूरी होने पर ₹3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। यह 18 से 40 साल की आयु के किसानों की स्वैच्छिक और अंशदान पेंशन स्कीम है। इसमें आयु के हिसाब से 55 से ₹200 महीने का अंशदान पेंशन निधि में जाएगा। सरकार भी इसके बराबर धन जमा करेगी। किसान पति और पत्नी दोनों अलग अलग इसे अपनाने के पात्र होंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम पेंशन निधि का प्रबंधन करेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री एक समारोह में इसकी विधिवत शुरुआत करेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय गुना करने से संबंधित सभी योजनाओं पर सरकार सबसे अधिक प्राथमिकता दे रही है। आप प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि आने वाले 5 वर्षों में किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। इसके लिए मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत आम किसान तक पहुंचे यह कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद संजय सेठ और सुरेंद्र सिंह नागर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने हाल ही में राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। दोनों ने बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अभी भी पार्टी को नए चीफ का इंतजार है। नए अध्यक्ष के चयन को लेकर विचार विमर्श जारी है। कांग्रेस कार्य समिति ने एक बार फिर राहुल गांधी से अध्यक्ष बने रहने की अपील की है। दरअसल राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से बनी असमंजस की स्थिति और नेतृत्व के संकट ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच सोनिया गांधी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में उनकी और राहुल गांधी की कोई भूमिका नहीं होगी। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स की नेताओं की वही राय है जो 25 मई को थी। राहुल जी से सबने आग्रह किया कि आप पद पे बने रहें क्योंकि चुनाव एक चुनाव में हार जीत रहती है पर उन्होंने मजबूती से नेतृत्व दिया था और ये सामूहिक जिम्मेवारी हम सब की है। फिर भी जैसा उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि वो संगठन के साथ पूरी मजबूती से खड़े होकर इस संघर्ष को जो एक विचारधारा की लड़ाई है उसमें शामिल रहेंगे पर बाकियों से सबसे बात की जाए कि कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है उस पर अभी चर्चा चल रही है। कंसल्टेशन एंड नेचुरली राहुल जी एंड माय सेल्फ वी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दैट कंसल्टेशन। लेकिन ग्रुप में आप लोगों का नाम भी है मैम। नो बट दैट्स ऑब्वियसली अ मिस्टेक बिकॉज़ वी कैन नॉट बी इन दैट ग्रुप। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज झारखंड के दौरे पर हैं जहां वो प्रभात खबर अखबार के 35वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया राष्ट्रीय संसाधन है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है,
तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि संसद और मीडिया एक दूसरे के सहयोगी हैं, दोनों ही संस्थान जनभावनाओं को अभिव्यक्ति देते हैं। आवश्यक है कि हम भी अपने स्थापित पूर्वाग्रहों को त्यागें और जन उपेक्षाओं को स्वर दें। मीडिया को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर जन केंद्रित मुद्दे उठाने चाहिए। उपराष्ट्रपति ने मीडिया से जनप्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की अपील की। We should all be conscious and cautious about such tendencies coming into, creeping into media. Fake news, paid news should be avoided under any circumstances. Then you will be doing a disservice to the nation. Sansad aur media ka ek dusre ke sahyogi hai. Dono hi sansthan janabhavanaon ko abhivyakti dete hai. Aaj jab hum बढ़ती और बदलती जन अपेक्षाओं के युग में रहा है, तब आवश्यक है कि हम भी अपने स्थापित पूर्वाग्रहों के त्याग और जन अपेक्षाओं को स्वर दे। मीडिया को भी विकासवादी सकारात्मक राजनीति का वाहक बनना होगा। मीडिया सरकारों और राजनीतिक दलों की जवाबदेही अवश्य तया करे, परंतु उसके केंद्र में जन सरकारों की सत्ता संस्थान मीडिया यथास्थितिवादी राजनीति में बदलाव का कारक बने। मीडिया को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर जन केंद्रित मुद्दे उठाना चाहिए। वी शुड नॉट बी कन्फाइंड टू द मेयर पॉलिटिक्स। मीडिया चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले लोगों का गुण गण, एमपी इन्होंने कितना बार पार्लियामेंट में बोला, क्या बोला, कितना बार वेल में गया, कितना बार हंगामा किया, कितना बार नहीं आया, उनका हाजिरी क्या है, पब्लिक रिपोर्ट, ये कैंडिडेट्स को भी करना चाहिए, पार्टीज को भी करना चाहिए और मीडिया को भी करना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द न्यूज़पेपर्स टू हाईलाइट सच थिंग्स। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्लियामेंट टू डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। पार्लियामेंट हैज गॉट थ्री डीज, डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। लेट द गवर्नमेंट प्रपोज, अपोजिशन अपोज, लेट द हाउस डिस्पोज। Finally, that is what is democracy. That is what is democracy. That's what has happened in the house the other day. देखो ऐसा नहीं, कैसा होता है, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। चर्चा करने के बाद ही 370 हटाने का निर्णय पार्लियामेंट में हुआ है बहुमत से। दो तिहाई बहुमत से हुआ राज्यसभा में, जहां सरकार का बहुमत नहीं है। लोकसभा में तो 4/5 बहुमत से हुआ। मित्रों, विषयों के बारे में क्या है, और आज का हमारा शिक्षा पद्धति में भी प्रॉब्लम है। शिक्षा पद्धति में हमारा परंपरा, हमारा संस्कृति, हमारा पुराना इतिहास उसमें है नहीं। जो ब्रिटिश वाले ने लिखा, जो उनका कॉलोनियल रूल में दिया, वही पढ़ रहे हैं हम लोग अभी भी। किसानों की आमदनी बढ़ाने के संकल्प को पूरा करने के लिए झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रांची में शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये योजना किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में सहायक साबित होगी। उपराष्ट्रपति ने किसानों से आग्रह किया कि वो कृषि आधारित उद्योग भी लगाएं, इससे न केवल आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण उद्यमिता भी बढ़ेगी। कृषि में लगे हुए लोग हमारा देश के लिए, हम सब के लिए अन्न वो पैदा करके हमको देते हैं, तो इसलिए उनका भूमिका महत्वपूर्ण है। उनका संरक्षण करना, उनका योगदान उनके लिए करना और उनको उनका आमदनी को द्विगुणा करने के लिए पूरा प्रयास करना, ये केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का काम है। मित्रों, ये पीएम किसान सम्मान योजना और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये दोनों किसानों के हित में है। ये आवश्यक है, ऐतिहासिक योजना है। कृषि लाभदायक होने के लिए जो भी नीतियां लाना है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर आ रहे, और आने दिनों में और भी कुछ नीति में बदलाव चाहिए और गुणात्मक बदलाव चाहिए। यू नीड टू हैव स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस हैज टू बी द प्रायोरिटी। देश के सबने सबसे महत्वपूर्ण, देश के सामने एजेंडा होना चाहिए खेती को लाभदायक बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अगस्त को
कलई वनार आरंगम चेन्नई में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 2 साल के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कार्यक्रम के आयोजक हैं। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग पुस्तक में पिछले 2 सालों के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराष्ट्रपति के 330 कार्यक्रमों की कुछ झलकियां हैं। देश भर में उपराष्ट्रपति ने 61 दीक्षांत संबोधन दिए हैं, 35 बार विद्यार्थियों से वार्ताएं की हैं, 97 विज्ञान और तकनीक अनुसंधान संस्थान की यात्राएं की हैं और 25 विशेष व्याख्यान दिए हैं। पुस्तक में उपराष्ट्रपति की 19 देशों की यात्राओं का भी उल्लेख है। वो पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने पनामा, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका और माल्टा की यात्राएं की हैं। पुस्तक में राज्यसभा सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की उपलब्धियों का भी उल्लेख है। समारोह में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री ई के पलनीस्वामी और उप मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम भी शामिल होंगे। समारोह में विख्यात कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एम स्वामीनाथन, इसरो के पूर्व निदेशक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, भारत के पूर्व महाधिवक्ता के परासरन तुगलक के संपादक श्री स्वामीनाथन, गुरुमूर्ति, अपोलो अस्पताल समूह के चेयरमैन डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी, वीआईटी के संस्थापक डॉक्टर जी विश्वनाथन, भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू ओम बिरला ने भी एम्स जाकर उनकी सेहत की जानकारी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के अलावा बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत कई नेता भी अस्पताल जाकर उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी आज एम्स जाकर अरुण जेटली की सेहत का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टर से अरुण जेटली की हालत के बारे में जानकारी ली। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर बताया कि डॉक्टरों के मुताबिक इलाज का अरुण जेटली पर असर दिखाई दे रहा है और उनकी हालत स्थिर है। उन्होंने अस्पताल में मौजूद अरुण जेटली के परिवार के लोगों से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ ने आम लोगों को झकझोर कर रख दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित 4 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और गुजरात में एनडीआरएफ की 83 टीमें भेजी गई हैं। ये टीमें इन राज्यों में राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में कल एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और इसमें बाढ़ प्रभावित राज्यों के बारे में राहत कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सेना, नौसेना, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की भी मदद ली जा रही है। अभी एनडीआरएफ की कुल टीमें जहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरला में और गुजरात में, वहां कुल अभी 83 टीमें एनडीआरएफ की लगाई गई हैं। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और कोस्ट गार्ड की 173 टीमें इन 4 राज्यों में तैनात की गई है। गुजरात के पूर्वी हिस्सों में, पूर्वी जिलों में अनुमान के अनुसार बारिश अधिक होने की संभावना है, उससे भी निपटने की तैयारी कर ली गई है। मौसम विभाग जिस प्रकार से सूचना देती है, गृह मंत्रालय की आपदा प्रबंधन की टीमें बड़ी तत्परता के साथ किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहती है। केरल में लगातार हो रही भारी बारिश से जानमाल को नुकसान हो रहा है। बारिश का कहर अभी भी जारी है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों ने राहत शिविरों में पनाह ली है। राज्य के 988 राहत शिविरों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया। वायनाड से सबसे अधिक लोगों ने इन शिविरों में पनाह ली है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।